आप कह रहे हैं मेरा हिम्मत है, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर बाकी पत्रकार को सच बोलने का हिम्मत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर पत्रकार डरे हुए हैं, सच कहने की हिम्मत नहीं है। मैं क्या नहीं, हमारे साथ और भी पत्रकार है, हम लोग स्वाधीन पत्रकार कहते हैं आपको, हम अकेला नहीं, हमारे साथ रवि नायर, आबिद दासगुप्ता और भी ऐसे सारे लोग हैं। हम लोग इकट्ठा करके अगर हमने जितने सारे लेख लिखा, आज नहीं लगभग 7 साल से हमारा बिल्कुल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली वायर अडानी watch.org अलग अलग पोर्टल में अलग अलग जगह में हमारा जिस तरह से आप अपने रिश्तेदार के साथ आपका संपर्क है ये आपने लोगों को नहीं बताया, आप पब्लिक आपका शेयर एक सार्वजनिक मंच से आप बेच रहे हैं, मगर ये सब अपना जो सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके जो नियम है जो अधिनियम है इसका उल्लंघन कर रहे हैं, ये सारे आरोप लगाया, हिंडनबर्ग भी लगाया, DRI भी लगाया, ऐसे कुछ केस अदालत में है, कुछ केस के ऊपर जांच चल रहे हैं, कितने दिन जांच चलेगा हमें तो मालूम नहीं है। फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ, मेरे को नौकरी भी छोड़नी पड़ी, हाँ। एक जगह आके हमें इकोनॉमिक इट इज अ प्लेजर मीटिंग यू, आपसे मिलने का आज का मेरा पर्पस बहुत डिफरेंट है, हमेशा आई हैव नोन यू पर्सनली लिटिल मोर देन समवन एज अ वेटरन जर्नलिस्ट, एज अ रेनाउंड जर्नलिस्ट जिन्होंने इतने सारे सच बोलने की हिम्मत की, एज अ जर्नलिस्ट द फैक्ट इज टू से द फैक्ट, I think which ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है। आप कह रहे हैं मेरा हिम्मत है, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर बाकी पत्रकार को सच बोलने का हिम्मत नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हर पत्रकार डरे हुए हैं, सच कहने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अभी हमने देखा कुछ फ्यू मिनट्स पहले जिस भी पत्रकार से आप बात कर रहे थे, अपने आपको बोलना पड़ा कि हो सके तो सच पूरा लिखना, आधा सच भी अधूरा रहता है। So, पत्रकार ऐसे होते हैं, अलग अलग पत्रकार होते हैं जो कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं, एक तरह से काम नहीं करते, जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके साथ बात, उसका अपना नाम भी उनको मालूम नहीं है, उच्चारण तो और कुछ तो यहीं से लेते हैं सर, 45 साल से जर्नलिज्म में हैं आप जी, और 45 साल से मैं बोलूंगी सच के जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म का डेफिनेशन सबका अपना है। नहीं ऐसा है, देखिए ये जो सच है, हाँ। जो सूचना है, हाँ। इसके ऊपर लोग विश्लेषण करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मेरा हर जो लेख है या हर जो हमने साक्षात्कार किया लोगों के साथ या वीडियोस बनाए या रेडियो में काम किया, ये सिर्फ जो सच है, जो फैक्ट्स है, रिपोर्टिंग मैंने किया, इसमें भी हमारा मत आ जाता है, इसमें मेरा विश्लेषण आ जाता है। So even the facts that you select, yes, and the facts you don't select, yes, जो आप पहले बताएंगे और जो बाद में बताएंगे, इसमें भी आपका जो व्यक्तिगत जो आपका जो विचारधारा होता है, आपका दृष्टिकोण होता है, ये भी लोगों को पता चल जाता है। So from that, do you believe जो reports आपने लिखे corporate houses के लिए, conglomerate के लिए, वो report अब जो एक बड़ा report आया जिसके वजह से कोई एक particular corporate house, you're talking about Adani right now, उनके बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया है, मार्केट ने रिएक्ट किया है, तो आपके लिखे हुए रिपोर्ट्स में और हिंडनबर्ग के रिसर्च में ऐसा क्या फर्क हो गया कि लोगों ने आपकी बातों को नहीं समझा और उनके रिसर्च को समझा, जिसका काफी रिसर्च आपके रिपोर्ट्स के बेस पे भी था, जो कि उन्होंने कोटेडली मेंशन भी किया है, आपके सिचुएशन को भी दायरे में रख के मेंशन किया है, आपने जो जो सफर किया उस दौरान वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट किया गया है, तो आपको ये क्या लगता है कि आपके सच और उनके सच में क्या डिफरेंस था? उनका क्या सच है और मेरा क्या सच है? सच सच है। ये 24 जनवरी हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है 32,000 शब्द, हाँ। कुछ दिनों के बाद अडानी समूह और अडानी घराना के वकील भी लंबा जवाब दे, उससे भी लंबा जवाब मिला, तो इसमें बारीकी से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग राय है, कौन क्या सच बोल रहे नहीं बोल रहे, ये एक आरोप है बहुत सारे, ये विवाद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अकेला नहीं, हमारे साथ और भी पत्रकार है, हम लोग स्वाधीन पत्रकार कहते हैं आपको, हम अकेला नहीं, हमारे साथ रवि नायर, आबिद दासगुप्ता और भी ऐसे सारे लोग हैं, हम लोग इकट्ठा करके अगर हमने जितने सारे लेख लिखा,
आज नहीं, लगभग 7 साल से हमारा बिल्कुल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली वायर न्यूज़क्लिक अडानी वॉच डॉट ओ आर जी अलग अलग पोर्टल में अलग अलग जगह में हमारा देख। तो ये जो 32,000 शब्द अभी लेख आए हैं इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग जो लेख लिखना है इसके ऊपर इन्होंने केंद्रित करके उन्होंने किया। साथ साथ भारत सरकार का जो संस्था है DRI है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने बहुत सारे आरोप आज नहीं 8-10 साल से चल रहे हैं ये सारे और उन्होंने आरोप मैंने नहीं, ये भारत सरकार का संस्था बोला कि आपने आपका जो इनवॉइसिंग है ठीक तरह से नहीं किया, ओवर इनवॉइसिंग था, आपने टैक्स ठीक तरह से आपने नहीं दिया, आपने अलग अलग मॉरिशस जैसे देशों में पैसा लेके वो घूम फिर के वापस आ गया। अब ये भी आपका आरोप है कि जिस तरह से आप अपने रिश्तेदार के साथ आपका संपर्क है ये आपने लोगों को नहीं बताया, आप पब्लिक आपका शेयर एक सार्वजनिक मंच से आप बेच रहे हैं, मगर ये सब अपना जो सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनके जो नियम है जो अधिनियम है इसका उल्लंघन कर रहे हैं, ये सारे आरोप लगाया, हिंडनबर्ग भी लगाया, DRI भी लगाया, ऐसे कुछ केस अदालत में है, कुछ केस के ऊपर जांच चल रहे, कितने दिन जांच चलेगा हमें तो मालूम नहीं है। तो ये जैसे DRI का जो शो कॉज नोटिस कारण दिखाओ नोटिस, 5 साल पहले हमारे एक व्यक्तिगत वेबसाइट है paranjoy.in वहां पे मैंने डाल दिया सारे डॉक्यूमेंट, एक एक डॉक्यूमेंट 100 पन्ने का है, किसी ने 200, किसी ने 300 पन्ने का है, ये सब कुछ लिखित रूप में है। ये जो आरोप है मेरा व्यक्तिगत आरोप नहीं है, मैं तो सरकार नहीं हूँ। और जब आपने ये व्यक्तिगत आरोप लगाया तो आपको क्यों लगा कि आपको ऐसा लगता है कि 8 साल का ये पूरा सफर था, ये पूरा 7 साल 7 साल का सफर आपका और हिंडनबर्ग के आने के बाद ये एम्पलीफाई जो हुआ, ये और कुछ है। देखिए 8-7 साल मेरा पहला लेख जो अडानी समूह के ऊपर 2016 में आया था, मगर उसमें नया कुछ नहीं था। 2016 में अप्रैल महीना में पहला लेख आया, एक तरह से आप कहेंगे एक्सक्लूसिव, पहला बार कुछ सूचना दिया एक एक पोर्टल में और फिर बाद में छपा भी, तो फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ, मेरे को नौकरी भी छोड़ना पड़ा। एक जगह आके हमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का संपादक का पद से हमें इस्तीफा भी देना पड़ा, ये एक लंबा कहानी है। मगर आपने जो सवाल उठाया हिंडनबर्ग के ऊपर, ये सारे सूचना जब सार्वजनिक हुआ अडानी समूह का अलग अलग कंपनी का शेयर गिर गया बिल्कुल, और जिस तीव्र गति से गिर गया सब लोग आश्चर्य हो गए थे। 24 जनवरी ये रिपोर्ट आया, 25 जनवरी उसका FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर 20,000 करोड़ का शुरू हुआ जो फुल्ली सब्सक्राइब हुआ, उसके बाद वापस ले लिया पैसे और अडानी जी कहा कि आई एम मॉरली ऑब्लाइज्ड टू टेक बैक द मनी और पे बैक दोज़ हू हैव सब्सक्राइब। इसके पीछे भी एक लंबा कहानी है, मैं नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि कोई केंद्रीय मंत्री हमारे बड़े बड़े जाने माने उद्योगपति पूंजीपति को टेलीफोन लगाया और उनके बाद इन्होंने अपने परिवार का पैसा ये अडानी का ये शेयर इशू में डाला और फिर बाद में वापस आ गया। ये सारी चीज बजट के दिन के एक दिन पहले ये सारी चीज हुआ, 31 जनवरी को बोला कि फुल्ली सब्सक्राइब, एक पहला जनवरी बजट आया और पहला जनवरी का रात से लगभग 10:30-10:40 के आसपास सब कुछ वापस, ये सारी चीजें सबको आश्चर्य कर दिया। और अडानी जी ने कहा हमारा उथल चढ़ाव हो रहे शेयर बाजार में इसलिए ये पैसा हम वापस दे सकते। आपको लगता है इतना सब होने के बाद भी अडानी ग्रुप वापस नहीं आएगा वहीं पे? ये धीरे धीरे मेरा पास नहीं, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं भविष्यवाणी नहीं करना बट आप वो जर्नलिस्ट है जो देख सकते थे आज से 7 साल पहले भी कि ये होना है। 7 साल पहले कौन, आपने पढ़ा नहीं, आपने कुछ चिल्ला चिल्ली किया कि ये लेख आए हैं तो क्या हुआ 7 साल पहले हमने देखा, 6 साल पहले 1 लेख 10 लेख 20 लेख आए हैं, तो आने वाले 6 महीना में 1 महीना में 1 हफ्ते के बाद 1 साल के बाद क्या होगा हमें मालूम नहीं, हम तो भविष्यवाणी नहीं कर पाते। बट आप लॉजिक के थ्रू जान सकते हैं कि आज से अभी इतना एक्सपोज होने के बाद क्या आपको लगता है ये ग्रुप फिर से अपना वो जगह बना पाएगा? हमारे पास ये नहीं है, शायद आपके पास है, आप बताइए ना।
गौतम अडानी जी 24 जनवरी के पहले विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में एक बार दो नंबर में आया, फिर तीन नंबर में आया, फिर वही जगह पे पहुंच सकते कि नहीं। यार सवाल है, ये सवाल आप बताइए, आपका दर्शक को बताइए आप क्या सोचते हैं। मैं तो आपको सूचना दे रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग यू फैक्ट्स, यू आर वेलकम टू योर ओन ओपिनियन। एंड विद अडानी, इट इज नॉट जस्ट अडानी, यू हैव आल्सो रिटन अबाउट अंबानीज, यू हैव आल्सो, यस, एंड यू हैव बीन चैलेंज्ड बाय देम एज वेल, सेंट अ नोटिस। दे आर डिफरेंट, दैट इज द डिफरेंस। जो कंपनीज, बड़ा भाई अंबानी मुकेश अंबानी जी, छोटा भाई अंबानी अनिल अंबानी जी, इनकी कंपनियों का वकील हमें, वकील का चिट्ठी आया मेरे पास, मेरा प्रेम पत्र आया हमारे पास, ये तो फिर हमने जवाब दिया, फिर हमें अदालत में नहीं ले गया। और क्यों अंबानी बंधु की बात करें, सुब्रत रॉय सहारा भी हमारे पास, उनका चिट्ठी भी आया, उनका भी प्रेम पत्र आया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का जो जैन्स है, समीर जैन विनीत, वो कंपनी का वकील भी हमें लीगल नोटिस भेजा। एक मिनट, अदालत में नहीं गया अडानी जी, ने अदालत में 6 बार, एक फर्क। आप कभी डरे नहीं जब अदालत तक बोल रहे हैं? मैं बहुत डरता हूँ, मेरे बीवी और मेरे बेटी से बहुत डरता हूँ, क्या बात, कुछ भी नहीं। बट आप कभी कोर्ट के चक्कर से या बदनाम होने से या पकड़े जाने से या इतने पावरफुल लोगों के खिलाफ चले जाने से डरे नहीं? आप जैसे कहा ना, अगर मैं सच कह रहा हूँ डरना चाहिए, अगर मैं सच कह रहा हूँ तो क्या तो इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के अगेंस्ट आप अकेले लड़ पाते? कौन बोल रहे हैं, क्या वो काफी है? तो पता नहीं काफी है कि नहीं, मैं समझता हूँ जो सच बोलना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा एज ए जर्नलिस्ट आई एम ऑब्लिगेटेड टू। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मार्टर बनना चाहता हूँ, शहीद बनना चाहता हूँ। एज ए जर्नलिस्ट मैं 45 साल, आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट लॉन्गर देन यू हैव बीन on this planet, right? So Anku, I believe the job of a journalist is to tell the truth. It is not that we know always what is the truth. हमें तो वो तलाश में है और हम कोशिश तो करेंगे, और अगर बाकी लोग काम नहीं कर रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ? बट अगर आपको, आप जितना सबको पता है, आप तो मिस्टर गौतम अडानी से मिले भी हैं, दो बार मिले हैं। एक समय मैंने 1 घंटा बिताया, एक बार 1 घंटा 55 मिनट बिताया, एक बार व्हाट्सएप में मैंने 15 मिनट उनसे बातचीत किया। तो क्या उन मुलाकातों में आपको धमकियां भी मिली कि बातचीत करके समझाने की कोशिश की गई? सब बात कौन कहा, हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। पहला मई 2017 में मैं अडानी जी से मिलने का हमने निवेदन किया, तो उनका जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का एक भाई साहब ने एक मीटिंग अरेंज किया, मेरा साथ एक और अल्प उम्र का एक पत्रकार भी थे, उस समय हम एक साथ काम करते थे। तो हमने अडानी जी से मिला मुंबई में, उनके ऑफिस में नहीं जी, बांद्रा से मर्सिडीज बेंज लेके हम वर्ली सीलिंग के ऊपर गया और वहां से ओबरा होटल तक। अच्छा, आप होटल में मिले, 1 घंटा समय बिताया। मगर हमें जब ये जो साक्षात्कार हमें मिला अडानी जी से, इसके पहले एक कंडीशन था कि सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड, जो भी कह रहे हैं आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और ये एक इनफॉर्मल बात, क्योंकि मैंने उनको कहा मैं उनको एक किताब लिख रहा हूँ, तो अब मैं जान परिचय करना, एक तरह से इट वाज कंप्लीटली ऑफ द रिकॉर्ड, ये पहला बार। दूसरी बार फरवरी 2021 में, उससे पहले हमें गिरफ्तार करने का कोशिश किया था मुंद्रा का मजिस्ट्रेट साहब प्रदीप सोनी जी, तो उस समय हमारे पास मेरा वकील साहब, उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और उनका भी एक कंडीशन था, ये एकदम ऑफ द रिकॉर्ड, आई वाज स्वोन टू सीक्रेसी। हम लोग 5 व्यक्ति थे, गौतम अडानी जी थे, उनका वकील भी है, उनका क्या कहते हैं सलाहकार, मेरा वकील, मेरा बीबी भी, हम 5 व्यक्ति उनका दफ्तर में बैठे थे। 1 घंटा 55 मिनट हमारा काम चला, मगर हमारे वकील साहब कहा उनका क्या, क्यों ये मीटिंग? उन्होंने कहा कि इतने सारे केसेस चल रहे, हम कोशिश करेंगे एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, अदालत के बाहर में कुछ एक समझौता कर दूंगे। अच्छी बात। और ये कुछ दिन पहले मैंने अडानी साहब से बात किया, मैंने कहा उनसे
व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा और बोला रानी जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं आश्चर्य हो गया, मेरे को टेलीफोन मिला, मेरा फैमिली के साथ में पठान देखते देखने के बाद बिल्कुल बिल्कुल अभी और क्या बात है। तो अडानी जी हमसे पूछा कि आप क्यों फोन किया, तो मैं ऐसे कहा गौतम अडानी जी को, गौतम जी आपने इतने सारे केसेस किया तो आप मैं निवेदन करके वापस ले लीजिए। उन्होंने क्या बोला? हाँ भी नहीं कहा ना भी फोन काट दिया नहीं। तो इस खामोशी को आप कैसे पढ़ते हैं? खामोशी उनकी खामोशी की ये केसेस ये सवाल आप उनसे पूछे, मैं कैसे बताऊं? अब आप चाहते हैं दिमाग में क्या चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, खामोश क्यों हैं, ये मैं बता सकता हूँ या तुम बताओगे लोगों को? आप ये चाहते थे कि उनका सच बाहर आए, आज वो सच सबने अपना लिया क्योंकि हमने देखा कि मार्केट में आप अभी भी नहीं मानते कि ये सच अपनाया गया है, जिस तरह से लोग आपको बुला रहे हैं। ये आरोप हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इट इज एन एक्यूजेशन, बहुत सारे एलिगेशन एलिगेशन अदालत में है कुछ आरोप, ये आरोप के ऊपर जो कार्रवाई चल रहा है, जो अलग अलग संस्था है, ट्राइब्यूनल्स है, जजेस है, कुछ केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर, और हमारे जो संस्थाएं हैं जैसे सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इन लोग बताएंगे ये जो जो आरोप है ये सच है या बेबुनियाद है। एज अ जर्नलिस्ट आप चाहते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, ये आपका बस यही आपका मत है, आप नहीं बोल रहे कि इन्वेस्टिगेटर, दिस इज नॉट अ मीडिया ट्रायल। Who says this is a media trial? We have reported what others have said. मैंने तो अपना दिमाग से ऐसा सारे आरोप नहीं लगाया, मैंने बोला DRI ने ये सब कहा। कुछ एक जब हम लोगों से बात करते हैं, ये भी आपके लिए खाली सवाल है कि कुछ बड़ी कंपनियों अंबानी अदानी के पीछे ही क्यों? कंट्री में जब ये NCLT हुआ, IBC लॉ बना, कितनी कंपनियां बाहर आई जो बैंक्रप्सी पे खड़े हो गए, जिनके अंदर डिफॉल्ट चल रहा था। आप कितने NCLT कंपनियों के बारे में लिख चुके हैं और कितनी गई हैं? It has gone over thousands of companies have been dragged into NCLT. हम तो अकेला है ना, तो हमको चुन के कुछ कंपनियों के बारे में लिखना, क्यों कह रहे हम सिर्फ अंबानी अडानी के बारे में लिखा? आप वेबसाइट पे जाइए, मैं CG ग्रुप के ऊपर लिखा, मैं Cox & Kings के ऊपर लिखा, Cox & Kings got busted as well. तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हमारा काम है जो सोचना है, जो जो सार्वजनिक मंच पे रखना, ये मेरा काम है। तो हम तो एक कॉर्पोरेट ग्रुप को तो चुन के नहीं रखा, मैं 45 साल सैकड़ों कंपनी के ऊपर मैंने लिखा। आप क्या समझते हैं कि मैं एक दो को चुन के लिखा? मैं क्या कर सकता हूं? मैंने खुद कहा कि अडानी जी आप विश्व में एक नंबर या सॉरी दो नंबर या तीन नंबर में है, मैंने उन्हें लिखा, मैंने कहा नहीं। तो एक बार एक व्यक्ति जब उनके वो कहते हैं कि हम विश्व में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है, तो आश्चर्य होंगे एक पत्रकार को ये सवाल उठता, आप कैसे आए यहाँ पे, इतना जल्दी कैसे आए? और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ये भी आपको सवाल उठाना है, आपका शेयर का कीमत इतना जल्दी क्यों गिरा, इसका कारण क्या है? आप ये 20,000 करोड़ का जो जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO आप क्यों वापस किया? Do you think कि last 7 years में आपको टारगेट भी किया गया? Just because you had done your job, many people have done that job. Some of the other writers, were you target or you felt targeted at any point? No. But what I'm saying is a fact. मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूँ जिसका खिलाफ defamation cases भी आए, arrest के भी intimations आ गए। कोशिश किया, देखिए मैं अकेला भारतवर्ष का नागरिक हूँ, मेरा खिलाफ 6 मानहानि का केस अभी भी चल रहा है, इसमें 2 में हमारा गैग ऑर्डर है, ये सच है, इट्स अ फैक्ट। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं शहीद हूं, मैं अकेला लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। ये आपका आपका बात है, आपका राय है, आपका मत है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं जो वास्तव है मैं नहीं हूं, मैं कह रहा हूं मैं अकेला पत्रकार हूं, हिंडनबर्ग में रिपोर्ट में मेरा नाम है, ऐसा नहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट में CNBC के नाम दिया है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इकोनॉमिक टाइम्स का भी नाम है, इनके खिलाफ उन्होंने केस किया, कुछ केस का समाधान हो गया, कुछ केस अभी चल रहे।
व्हाट इज द पर्पस एज अ जर्नलिस्ट जब आप लोग फैक्ट्स कर लिखते हैं सूचना को यू नो यू इन्वेस्टिगेट ऑन इट ब्रिंग आउट द रिपोर्ट्स टू इंडिकेट पीपल माय वन क्वेश्चन इज what is the real purpose to bring it to the light of people or to find a solution to the system because ye ek ek ki galti nahi hai pura system hai banking's bhi involved hai isme sector to kya aap solution ki taraf ja rahe ho ye solution ki taraf sarkar ke kaam hai na hamare jo sansad hai hamare jo niyantran karne wale hamare jo regulatory authorities hai Bharatiya Reserve Bank SEBI hai aur bhi is bahut sare so the job of the journalist is to present the facts it is up to the people in power and authority to strengthen to change the laws to improve the rules to improve the regulation so that our economic system becomes better Did government ever approach you that let us have know what you're saying has any truth or not? Did you find any approach from the government? Approach to kya hai? To discuss it, to know more about it. मैं तो सरकार के पास गया. जिस लेके लिए हमें हमारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का संपादक का पद हमें छोड़ना पड़े मैं तो सी अरुण जेटली जी को चिट्ठी लिखा उनके सारे दफ्तर में 5-6 लोगों को जिस समय हमारे राज्य मंत्री थे वाणिज्य मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स उस समय निर्मला सीतारामन जी से वो आज हमारे वित्त मंत्री है इन लोगों को मैंने चिट्ठी लिखा ईमेल भेजा बाय स्पीड पोस्ट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट मैंने चिट्ठी लिखा उनको लिखा उनका सचिव को लिखा सबको लिखा आई हैव अप्रोच द गवर्नमेंट टू टेल देम कि ये सारे हमारे पास जो सूचना है ये सच है या नहीं है हैज द गवर्नमेंट अप्रोच मी The government has sometimes replied, sometimes it has not replied. How did I get this information? Somebody gave it to me. But it's my job to ensure ये जो documents हमारे पास हैं, जो सूचना हमारे पास है, इसका विश्वसनीयता कितना है? Is it credible? Is it factually correct? That's my job. I have done my due diligence. My last question to you is: पूरे period में, did you feel isolated because people were scared when you write the truth? That's right. The huge सवाल का जवाब द मेजॉरिटी स्टेज अवे जान हाँ सवाल का जवाब हाँ तो आपने कैसे डील किया क्योंकि ये एक सामाजिक रोज रोज में लोगों को प्रॉब्लम है कि जब हम सच बोलते हैं सब हमको अकेला छोड़ देते हैं तो आपने कैसे अपने आप को हमारा काम जो है हमारा कर्तव्य जो है बट ये बहुत डिप्रेसिंग स्टेट होता है इस बार हमारा राय है कौन कहा आपको बिल्कुल इस फेज में अकेला डिप्रेशन ये नहीं लगा कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा या कोई मुझे ये तुम्हारा राय है आपकी राय क्या है फोन नहीं उठा रहा और दूसरे कारण नहीं क्योंकि हमारा फोन के अंदर पेगासस है और किसी कारण से लोग सोचते हैं कि अगर मेरे साथ बात करेंगे टेलीफोन में हमारे माननीय राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी का दफ्तर में लोग हमें तो जांच करने के लिए एक बार नहीं पांच बार मैं भी सबसे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक गया अभी भी चल रहा है मामला तो इस पूरे सफर को आप कैसे डिफाइन करेंगे अकेला था क्योंकि आप सच बोलते हैं और लोग आपसे जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते कौन कर रहे हैं हम सफर कर रहे हैं ये आप कर रहे हैं नहीं सफर मतलब आपकी जर्नी इस पूरे जर्नी में आपने क्या अकेला फील किया एक व्यक्ति का जर्नी होता है एक सफर होता है तो मेरा सफर चल रहा है आज डू यू फील पीपल माइट हैव कॉल्ड यू एंड सेड आर यू फीलिंग विंडिक्टिव आई हैव हर्ड सो मेनी ऑफ योर इंटरव्यूज आई मीन यू हैव फाइनली विंडिकेट जी नॉट विंडिकेट विंडिकेटेड सरकार है हमने जो लोगों का दृष्टि आकर्षण करने का कोशिश किया वो 7 साल के बाद वाई यू नॉट कंटेंट कि आप लिख रहे हैं वो काफी है आज विंडिकेटेड फीलिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बात से शेयर्स गिर गए लोगों ने रिएक्ट सो यू वांटेड दिस और हिंडनबर्ग का रिपोर्ट के बाद उसका शेयर कर दिया हमारे रिपोर्ट बस कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट आया था सीएनबीसी का एक रिपोर्ट आया था एक महान का शेयर गिरा था फिर बाद में बोला कि इकोनॉमिक टाइम्स जो लिखा है ये बेबुनियाद है तो फिर उसके बाद शेयर चला दिस फीलिंग ऑफ फीलिंग लाइक यस फाइनली ये आपको अभी क्यों है क्योंकि आप तो नहीं चाहते थे कि मैं 2.5 साल खामोश हाँ इसका कारण भी है
अदालत का राय भी था। उसके बाद मैंने सोचा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में मेरा नाम आया है। अडानी का जवाब जो दिया, पूरी कहानी नहीं लोगों को मालूम है तो हमें बताना चाहिए पूरी कहानी। तो टेलीग्राफ में हमारा पहला साक्षात्कार आया है, पहला पन्ने में आया था, फर्स्ट पेज में 7 फरवरी में इन्होंने प्रकाश किया था। उसके बाद 7 फरवरी से आज हमारा 16 मार्च है, कम से कम 30 साक्षात्कार के अलग अलग पत्रकार भारतवर्ष के विदेश के लोगों के साथ मेरा बातचीत हुई है। किसी लोगों के साथ हम आधा घंटा बात करते हैं, वो एक लाइन लगाते हैं, किसी लोग वो भी नहीं पाते हैं, और किसी लोग ने पूरा इंटरव्यू शुरू से अंत तक देते हैं, सिर्फ ये नहीं मैं और भी लोग 6 सार्वजनिक मंच 7 बार सार्वजनिक मंच से मैं भाषण भी 2 कलकत्ता में जहाँ से हम लोग बैठे हैं, इससे पहले केरला में 3 जगह, एक बार मुंबई में, एक बार छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर। तो योर टाइम हैज कम, डू वी सी लाइक दैट कि वक्त बदल गया, जो लोग आपकी ही बातों पे पहले विश्वास नहीं करते अब आपको फोन करके बोलते हैं अब बताओ क्या बोलना है। That is the truth. That's what you say. That's what. All our life we look for the truth. Where is it? I wish I knew. My teacher who taught me English in Lamachinia in Calcutta, in Kolkata. One of the texts he taught us was Julius Caesar, Shakespeare. Yes, we all have read it. उसमें एक paragraph है जहाँ पे Brutus Cassius कहते हैं, there is a tide in the affairs of men. When taken at the flood, leads on to fortune. Omitted, all the voyage of your life is bound in shallows and miseries. On a full sea, are we now afloat? Okay. तो ये मेरा व्यक्तिगत, हमें याद है, हमें जॉन मेसन ने 1970, 1971 में ये सारी चीज किया, और जन्म भी हुई थी उसमें, मेरा भी उम्र कम था उसमें, 15-16 साल, तो मेरा दिमाग में रह गया, has been stored in the hard disk of my memory. John Mason passed away recently, he was 10 years older than me. But ये शेक्सपियर तो hundreds of years ago he wrote it, they're still relevant. But a time comes in every person's life when you have to make certain choices. So I decided to speak out after being silent for 2.5 years. And you find people listening to you now. You are interviewing me. Are you listening to me? Yes, I am. Thank you so much. Tell me that moment, sir. Just then, आपको इस तरह से, I just want that moment for everyone. जब suddenly लोगों ने आपको call किया after the Hindenburg report, जिसके बारे में आप भी नहीं जानते थे, research क्या है, कौन है ये लोग, and you figured out, you read about them, I heard it in the press club yesterday. तो वो moment आप define कर सकते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने देखा, लोगों ने मैसेज किया। हमने कभी नहीं सोचा कि ऐसा एक रिपोर्ट आएगा। जिस समय रिपोर्ट आया था, ईमेल में मेरा एक दोस्त है, वो विदेश में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, उन्होंने बोला ये तुमने पढ़ा, तो मैंने क्लिक किया, मैंने पढ़ा। मैं अकेला था घर पे उस समय, मैं, मेरा बीवी उस समय काम के लिए स्कूल में गए थे, वहाँ स्कूल में काम करते हैं, और उस समय मैं एक निषिद्ध डॉक्यूमेंट्री देख रहा था घर में बैठ के, BBC। तो मैंने बोला यार बहुत लंबा लेके 32,000 समय लगेगा, पहले डॉक्यूमेंट्री हम खत्म कर देंगे उसके बाद। और जब तक डॉक्यूमेंट्री खत्म हुआ, बहुत लोग हम फोन कर रहे थे, तो हम पढ़ना शुरू कर दिया। 32,000 शब्द पढ़ने में भी समय लगता है, और फिर पढ़ने के बाद बहुत कुछ याद आए, क्योंकि हिंडनबर्ग से मेरा और मेरा साथ जो काम करे, हमारे रिपोर्ट के जो सूचना है, ये मॉरिशस किया, अलग अलग जगह गया, साइप्रस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, काफी काम किया। फर्क क्या है, ये है कि उन्होंने तो शॉर्ट सेलर्स हैं, उन्होंने खुद बोला हम पैसा कमाने के लिए ये सब, अगर कल, हाँ
हमें मालूम नहीं कितना पैसा कमाया आपको कुछ नहीं दिया हमें तो कुछ नहीं दिया। क्या ये बात सच है कि एक रुपया भी नहीं दिया? अंकु गोयल भी हमें एक रुपया दिया। हाँ, मैंने बिल्कुल नॉन कमर्शियल आपसे, आपने मुझसे इनफैक्ट मुझे चाय भी पिलाया। बट मुझे ये जानना है कि कल कोई हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ही गलत बोल देता है तो फर्क पड़ेगा। समय बताएंगे। 24 जनवरी से आज तक बहुत क्या होने वाले हैं, समय बताएंगे। मुझे एक चीज जानना, आपके इस पूरे जर्नी में आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है, स्पेशली योर वाइफ? आई थिंक यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ हमारा बेटी, मेरा बेटा, मेरा वाइफ, मेरा बहन और अलग अलग मेरा दोस्त, अलग अलग मेरा रिश्तेदार। अदानी जब बिना जमानत का एक गिरफ्तार का वारंट इशू किया था, सब लोग डरे हुए थे। माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, माई सिस्टर, दे वर सो पर्टर्ब, दे वर सो डिस्टर्ब। आई मीन दे वर वर्चुअली ऑन अ नर्वस ब्रेकडाउन बिकॉज़ दे नेवर थॉट, क्योंकि हमारा वकील बोला कि भाई तुम घर पे मत रहो, पुलिस वालों आके हथकड़ी लगा दे। हैड टू गो थ्रू दैट ट्रॉमा। यस, सो दे स्टूड बाय मी एंड आई एम ग्रेटफुल सो अ जर्नलिस्ट फैमिली हैज टू बी एज स्ट्रांग एज अ ट्रू जर्नलिस्ट हैज टू बी। आई होप सो। वन, आई ऑलवेज आस्क माय पीपल, यू आस्क मी 10 टाइम्स द लास्ट क्वेश्चन, यस, द 11th लास्ट क्वेश्चन, आई कांट गेट ओवर यू। बट वन थिंग, इफ यू लीव अ मोमेंट, मेरे को आपसे बात करके ऐसा लगता है बहुत डीप इंसान है, बहुत गहराई है आपने। कोई एक गाना आपकी जिंदगी को डिफाइन करता है, आप जो गुनगुनाए? अरे बहुत गाना है। एक बता के जाइए। मेरा बेसुरा, मैं बेसुरे को ज्यादा मौका देती हूँ। एक कोई जो जिंदगी आपकी लाइफ को इस मोमेंट पे डिफाइन करे, मुझे नहीं पता लाइफ में कितने बार मौका मिलता है मिलने का। कौन सा गाना चुनते तुम्हें? मेरा जो आपके जहन में रहता है या आपको अपने बारे में? अच्छा, बहुत सारे गाने, तो एक तो मुझे जरूर दे। याद नहीं रहते, इतने सारे गाना है। हम गाना सुनते हैं तो बहुत पसंद आ जाता है, दो दिन के बाद भूल जाते हैं हम। बट एक फेवरेट, वेयर हैव ऑल द फ्लावर्स गॉन, लॉन्ग टाइम पासिंग, वेयर हैव ऑल द फ्लावर्स गॉन, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, where have all the flowers gone, young girls picked them, everyone, when will they ever learn, when will they ever learn, where have all the young girls gone, long time passing, where have all the young girls gone, long long time ago, where have all the young girls gone, gone to young men, everyone, when will they ever learn, when will they ever learn, where have all the young men gone, long time passing, where have all the young men gone, long long time ago, where have all the young men gone, gone to soldiers, everyone, when will they ever learn, when will they ever learn, where have all the soldiers gone, long time passing, where have all the soldiers gone, long long time ago, where have all the soldiers gone, gone to graveyards, shamshan ghat, kabristan, they've gone to graveyards, everyone, when will they ever learn, when will they ever learn, where have all the graveyards gone, and that I don't know, long time passing, where have all the graveyards gone, long long time ago, where have all the graveyards gone, gone to flowers, everyone, wow, when will they ever learn, when will they ever learn. Pete Seeger, based on a Russian poem, during the First World War he would sing it. Or I'm privileged, I met Pete. Wow. He's no more. Thank you very much, Anku. Thank you so much. Thank you.